हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, दुबई के बारे में किसने नहीं सुना? दुबई को दुनिया के सबसे अमीर और उन्नत शहरों में से एक माना जाता है। दुबई अपने दौलत, शोहरत, ऊंची ऊंची इमारतों के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। तो चलिए दोस्तों, दुबई के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आज हम जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिए गए बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सके। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इसी दुबई के बारे में। दुबई यूएई के सबसे बड़े सिटियों में से एक है। इस शहर की आबादी लगभग 28 लाख है। लेकिन क्या आपको पता है, इन्हीं 28 लाख आबादी में से 43.3% लोग सिर्फ भारत का ही है। दोस्तों, हमारे यहाँ पुलिस कौन सी कार यूज करता है? जीप, वैन या ज्यादा से ज्यादा हो तो स्कॉर्पियो। लेकिन क्या आपको पता है कि दुबई के पुलिस के पास कोई साधारण कार नहीं होता है। वहाँ पुलिस फरारी और लैम्बर्गिनी जैसी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। दुबई के लोग कारों की बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। इसीलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी महंगी कारें अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा तो वो सिर्फ दुबई में ही मिलेगा। दोस्तों, भारतीय को सोना यानी गोल्ड बहुत पसंद आता है। लेकिन क्या आपको पता है, दुबई के लोग सोना इतना पसंद करता है कि दुबई में तो सोने की कार भी मौजूद है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जिसे 90 किलोमीटर दूरी से भी देखा जा सकता है, वो भी दुबई में ही है, जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। आपको तो पता ही होगा। दोस्तों, साल 1960 तक दुबई में देखने लायक कुछ भी नहीं था। फिर वहां तेल की खोज हुई और देखते ही देखते दुबई इतना विकसित हुआ कि वो दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिना जाता है। साल 1990 में दुबई में सिर्फ एक ही ऊंची इमारत थी जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। लेकिन अब दुबई में 911 से भी ज्यादा ऊंची इमारतें मौजूद है और जो बन रही है वो तो अलग से है। दोस्तों, आप लोगों ने डिज्नीलैंड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है, दुबई में भी दुबई लैंड बन रहा है जो डिज्नीलैंड से दो गुना बड़ा है और ये साल 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा। दुबई के रेगिस्तान के बीच में बसा दुबई मॉल दुनिया के सबसे बड़ी मॉल है। दुबई मॉल में हर साल करोड़ों लोग घूमने के लिए जाता है। यहाँ पर लगभग 1200 स्टोर मौजूद है और देखने लायक बहुत सी चीज भी मौजूद है। दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर भी माना जाता है क्योंकि दुबई में क्राइम रेट 0% है। दोस्तों, दुबई एक ऐसा शहर है जहां पर कोई भी एड्रेस स्कीम नहीं है, मतलब वहां पर कोई भी पिन कोड या जिप कोड नहीं है। अगर दुबई में आपको किसी भी पता पर पहुंचना है तो आपको उस जगह के आसपास वाले किसी भी बिल्डिंग या होटल के नाम बताना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों का मानना है कि दुबई इतने अमीर होने की वजह है वहां पर पाए जाने वाला बेशुमार तेल। लेकिन ऐसा नहीं है। दुबई की अर्थव्यवस्था का सिर्फ 6% भाग ही तेल पर निर्भर करता है। दुबई के ज्यादातर इनकम रियल स्टेट और टूरिज्म के बिजनेस से आता है। क्या आपको पता है, दुबई में घर में बैठकर शराब पीने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ता है। बिना लाइसेंस के आप ना तो शराब पी सकते हो और ना ही शराब घर में रख सकते हो। दोस्तों, दुबई में आपको बहुत सारे ऐसे भी एटीएम मिल जाएगा जिसमें से सोने के सिक्के निकलता है। आपने जिंदगी में लिफ्ट में तो बहुत बार चढ़े ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया के सबसे तेज लिफ्ट कौन सा है? वो है बुर्ज खलीफा का लिफ्ट। कभी मौका मिले तो एक बार चढ़िएगा जरूर।
दोस्तों, दुबई दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ के लोगों को इनकम टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दुबई टैक्स फ्री शहर है। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा होटल है बुर्ज अल अरब। इसकी ऊंचाई है 1053 फीट और ये दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल है। इस होटल का एक दिन का किराया लगभग 13 लाख है और ये होटल किसी और जगह पे नहीं बल्कि दुबई में ही है। दोस्तों, दुबई के द पम जुमेरिया इंसान द्वारा बनाया गया दूसरा ऐसा कार्यकला है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। पहले स्थान पर कौन है आपको तो पता ही होगा, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दुबई के पास सबसे बड़ी आतिशबाजी प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड है। दोस्तों, बस यही कुछ थे दुबई के बारे में आप लोगों को बताने को। कैसा लगा आप लोगों को दुबई के बारे में ये सब फैक्ट जानकर? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हाँ, नीचे कमेंट में लिख के ये जरूर बताइएगा कि मेरा अगला वीडियो किसके ऊपर होना चाहिए। और दोस्तों, जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस फैमिली की किस्मत आपके हाथों में है। आप जितनी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ये फैमिली उतना ही बढ़ता रहेगा। सो प्लीज़ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोना।